अनामिकास फूड जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल या पुलाव से हरा भरा कबाब। मिक्सर के बर्तन में मैं दो ब्रेड ले रही हूँ। मैं मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च, आप तीखेपन के अनुसार कम ज़्यादा डालिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, 12 से 15 धुले हुए पालक के पत्ते, 1 चम्मच कटा हुआ या किसा हुआ अदरक, और इसे हम पीस लेंगे। क्योंकि यह सारे ड्राई इंग्रेडिएंट है, इसे हमें शायद बीच बीच में मिलाने की ज़रूरत पड़े। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट क्रश हो चुका है, इसे अब हम एक बोल में लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी बचे हुए चावल, या आपके पास अगर कोई पुलाव है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी बेसन, 1/4 किलो उबले हुए आलू, नमक स्वाद अनुसार। इसे अब हम अच्छे से एक जीव कर लेंगे। आलू को अच्छे से मैश करके उसको एक आटे की तरह हम लोग एक साथ मिला लेंगे। ये देखिए ये आटे की तरह एक साथ आ चुका है। अब हम हथेलियों को थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। इन गोलों को हम ब्रेड के क्रम्स में रोल कर लेंगे ताकि इसका एक बहुत अच्छा है टेक्सचर आए जब हम इसे तले। ये देखिए इस तरह हम सारे कबाब्स को रोल कर लेंगे। इसे अब हम गरम तेल में डालेंगे तलने के लिए और इसे मध्यम से तेज़ आंच पर तल लेंगे। आप आपके चावल या पुलाव में जितना पानी का कंटेंट है उस हिसाब से बाइंडिंग अगर आपको कम ज़्यादा लगती है तो थोड़ा सा बेसन और ब्रेड और डाल सकते हैं। इसे हम पलटा लेंगे ताकि यह एक समान तला जाए। जब यह सुनहरे और क्रिस्पी हो जाए तब यह परोसने के लिए तैयार है। धन्यवाद।